हमसा लेकर आया, हमसा इधर आना। पहले हो तुम मेरे को बोल लेते कि दोस्त ला, अब तुम बोल रहे हो तुम्हारा, पहले क्यों नहीं बताया? भाई से पूछ लेता हूँ मैं कि कब तक आएगा। भाई तुम इतना बोल लेते कल आएगा आएगा, कब आएगा वो? 6 बजे आया, सुबह के 6 बजे। ये माशाल्लाह दोस्तों बहुत बड़ी चीज है। तो यार दोस्तों माशाल्लाह बोलेगा बाकी में बहुत बड़ी। ये लो यार हमदा, ये पराठा ले आया, इसको अलग से रखना है, बच्चे को खिलाना है, ठीक है ना? सेटअप को देख लूँ। तो यार दोस्तों ये पराठा जो है ना, हम अपने इस बच्चे के लिए लाए हैं। यार ये नीचे आ जाता हवा के प्रेशर से, देखना है। चलो तुम ऊपर जाओ। तो ये रहा वो बच्चा दोस्तों, छोटे आला। ये देखें माशाल्लाह से, बड़े आला तो बहुत बड़ा हो गया है, पर छोटे आला जो है ना, ये देखें, ये छोटा रह गया, बड़े वाला पूरा आ जाता है। पूरे प्याला बड़े आले ने घेरा, छोटे आले की ऐसे पराठा लाया हूँ, क्योंकि इसको पराठा खिला के हमने बड़ा करना है, ताकि यार ये भी चीकू की तरह ना मर ना जाए बस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों बता दी मैंने आप लोगों को किस वजह से पराठा लाया था, क्योंकि हमजा इसको अब खिला रहा है। कल हमजा इसका पेट नहीं भरा था ना, कल शाम में दोस्तों हमारी नज़र पड़ी तो हम समझ रहे थे खिला रही होगी ये मादा, अब इसने खिलाना शुरू कर दिया होगा, पर नहीं भाई, उसने नहीं खिलाना शुरू करा था, और वो बिल्कुल ना बड़े वाले पे ध्यान दे रही है बस, उसके अलावा नहीं। बाकी हमारे जो छोटे वाले ना, ये इनके वाइट वाले के, ये भी माशाल्लाह यार खूब अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। एक बच्चा है लेकिन उन्होंने बड़े प्यारे तरीके से केयर करी यार, उसकी यकीन जानो। तो हमजा जो है यार वो रोटी डाल रहा है, सारों को रोटी बना ली है, थोड़ी बहुत रोटी दोस्तों हम अपने इनको डालते हैं। क्या नाम है, सुरखाब हो गया, तीतर हो गया, और कबूतर जो अंडों बच्चों वाले होते थे ना, उनको डालते थे। तो बच्चों वाला ये शौक से खाता है हमारा रोटी, इसको डालते हैं, ये खाते ही नहीं है बिल्कुल, और कोई भी कबूतर नहीं खाता सिवाय इनके, सिर्फ ये खाते हैं रोटी। तो इस वजह से हम डाल देते हैं कि रोटी से जान बहुत अच्छी बनती है इन लोगों की। बाकी यार दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जो हमदा, ये देखो मुझे लग रहा है फिर अंडे देगी, है ना, जल्द अंडे दे देगी यार इंशाल्लाह ये। बाकी इस बार इनका जो भी आएगा चीकू मीकू चीकू, उसकी यार हमने बहुत सही से केयर करनी है। क्या हो गया भाई इतनी देर हो गई है? खाना बना, दूसरी रोटी बनाई है, बिरयानी बनाई है, बिरयानी इनके लिए। चलो यार जल्दी कर लो, बेचारे भूखे हो रहे हैं, हमारे जितने दोस्तों जितने हैं ना सारे वैसे भूखे हो रहे हैं। ये देखें सारे के सारे, और इनको देख के मुझे याद आ गया भाई, ये माशाल्लाह से दोस्तों पेयरिंग कर रहे हैं। हमारा जो छोटे उस्ताद हैं वो सेट हो गए हैं अपनी वाइफ के साथ, वो देखें छोटी थी, पर यार बड़ी डरपोक है, बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, हमारी जो छोटी है ना इससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डरपोक है। यार दोस्तों सबको हमने खाना पीना डालना शुरू कर दिया है, ब्लैक वाले खुले हुए हैं, और एक चीज़ हमारे पास आज और आई हुई है। हमसा लेकर आया, हमसा इधर आना, इधर आ जाओ। कौन सा आई है, कहाँ से लेकर आए थे? पहले हो तुम मेरे को बोल लेते कि दोस्त ला, अब तुम बोल रहे हो तुम्हारा, पहले क्यों नहीं बताया? किसका है ये? मेरा। अपने लिए तुमने खरीदा है, सेल आउट के लिए? वैसे सेल आउट ही करना। चीज तो बड़ी प्यारी है, 15 महीने का है ये 15 महीने का है? 15 महीने यार, मुझे फुल लग रहा था देखने में, तो इतने बड़े कांटे। चलो होगा भाई, मेरे को इतनी नहीं है दोस्तों कांटे वगैरह का इतना नहीं पता होता, बता चुका हूँ हजार बार, मुर्गी चूजों के बारे में मुझे ज़्यादा वो है, इनके बारे में इतना नहीं है। खैर यार बड़ा खूबसूरत मुर्गा है, बहुत ज़बरदस्त। तो यार दोस्तों हमने जो अपना एक खाली रखा था पिंजरा, इसके अंदर एक सरप्राइज़ आना था, और वो सरप्राइज़ जो है भाई से पूछ लेता हूँ मैं कि कब तक आएगा। भाई तुम इतना बोल लेते कल आएगा आएगा, कब आएगा वो? मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ, मैंने बोला अब लेके जाएंगे साथ, अब लेके जाएंगे, चलो कब आएगा? कि कल पे कहानी तो नहीं टल गई? नहीं नहीं, वो सरप्राइज आ गया, आप सो रहे थे। कब? वो सुबह 6 बजे आया। सुबह के 6 बजे तो उठा ही लेते, पास से उठाता, आप सो रहे थे। तो सुबह के 6 बजे किधर से आया, क्या किस चीज में आया? लाहौर से आया। किसमें किसमें किसमें? ट्रेन में आया। ट्रेन में? यार दोस्तों देखता हूँ मैं भी, एक मिनट रुक जाओ, इतनी आराम से नहीं दिखाऊंगा। तो भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है मुर्गा दिखाने से पहले, कि जो जो लोग लाइक करें सब्सक्राइब करें, भाई ने पहले बोल दिया कि जो जो लोग व्लॉग देखते हैं मेरे, यार लाइक कर दो इस व्लॉग को, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं थाई मुर्गा, बाकी भाई से पूछ लेता हूँ कि उसकी हाइट बहुत क्या, मतलब ऐसी चीज है क्या? बहुत प्यारी चीज है, और पालने वाली चीज जिसको कहते हैं ना, वही हम रखेंगे, आंखें खुल जाएंगी मेरी देख के इंशाल्लाह। ये ले भाई तुम पकड़ो हमदा, दोस्तों मैं देखता हूँ मुझे अपना रिएक्शन भी देखना है कैसा है क्या नहीं है। हमदा तुमने देखा है? मैंने देख लिया था। कब देखा? सुबह थोड़ी देर पहले आने से पहले। चले यार, इसके अंदर डाला हुआ है वो, इसमें ये माशाल्लाह दोस्तों बहुत बड़ी चीज है, मैं क्या बताऊं, बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, तो माशाल्लाह बोल रहे हैं। भाई आप यहाँ से निकालो, नहीं यहाँ से इसको। तो यार दोस्तों माशाल्लाह बोलेगा बाकी में बहुत बड़ी चीज है, माशाल्लाह।
तो ये माशाल्लाह से यार बहुत आउट क्लास मुर्गा है दोस्तों। थाई की आंखें का शौक करें आप, इसके पंजों का शौक करें, जितने शौकीन हजरात हैं वो बताएं कि क्या चीज है माशाल्लाह। आप ये देखें, पंजों तो थोड़ा दूर रखना, हमदा थोड़ा दूर रखना भाई, थोड़ा सा डर लगता है दोस्तों, भाई भी जानते हैं मैं क्यों मना कर रहा हूँ। तो ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से इसके, यार आप जो माशाल्लाह से नली का साइज ना दोस्तों, जिसको हम पाइप बोलते हैं पाउंड, वही माशाल्लाह देखें कितना बड़ा है। और यार बहुत माशाल्लाह हैवी है, आंख दिखाओ यार, माशाल्लाह जरूर गए सब। ये देखें आंख दिखाओ इसकी, यार बहुत प्यारी चीज है, मुझे तो भाई बहुत पसंद आई है दोस्तों। और ये जो है अब हम पालने के लिए रखेंगे, इसकी नस्ल निकलवाएंगे इंशाल्लाह, बाकी इसके हिसाब से हम मुर्गी लाएंगे, वो भी आ जाएगी। ये हमारे पास जितनी है ना दोस्तों, वो इसके हिसाब से नहीं है यार, वो छोटी है। बाकी ये मुर्गा लाहौर से आया है, भाई ने मंगाया है, किससे मंगाया है वो नहीं पता है। तो आज ये था सरप्राइज यार, तो कैसा लगा यार ये देखें माशाल्लाह से कितना भारी मुर्गा है माशाल्लाह से यार, चोर थाई असील मुर्गा, ऐसे करो मुर्गे देखे यार। तो यार दोस्तों थाई कैसा लगा लाजमी कमेंट में बताएगा। और बाकी ना इसको हम ना अभी अपने जो ये मुर्गे खड़े हैं इनके सामने आप लोगों को रख के दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो में काफ़ी मतलब चीज़ नज़र नहीं आती है, दिखाता हूँ कि इसका साइज क्या है। अच्छा भाई इसको रखना यार किसी के पास, किसी भी मुर्गे के पास रख के दिखाओ ज़रा, ताकि इसका पता चले। बहुत हैवी है दोस्तों माशाल्लाह से, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना है। और ये रखते हैं हम तो ये देखें काफ़ी फ़र्क है, ये देखें ये हमारा थाई है जिसे हम बड़ा कहते हैं सन्यासी जो, सॉरी ये हमारा थाई है इसको सन्यासी, हाँ ये हमारा सन्यासी और ये थाई है। तो आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना फ़र्क है यार मुर्गों में, जबकि दोस्तों इसके कांटे भी इतने नहीं है। अभी ये तकरीबन मेरे हिसाब से अतरे 12 महीने, एक साल का बच्चा, वही मतलब एक साल या फिर एक महीना ऊपर कर लो तो एक साल या 12 महीने तक का दोस्तों ये है आराम से। रख देते हैं इसकी जगह पे जो हमने बनाई थी, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास इसके अलावा पिंजरा नहीं है जिसके अंदर ये मुर्गा आ सके। अब हम रख के चेक करेंगे उसके अंदर आएगा भी या नहीं। आ जाएगा उस पिंजरे में है ना आराम से। तो दोस्तों लाजमी कमेंट में बताएगा कैसा लगा। और वैसे दोस्तों माशाल्लाह मुर्गा जो है ना हम डायरेक्ट सेटअप पे इसलिए लाए, बिल्कुल सेट तंदुरुस्त, कोई बीमारी नहीं है आपके सामने है, वैक्सीनेटेड है, वैक्सीनेटेड है, जिनसे उन्होंने मंगाया उन्होंने वैक्सीनेशन करके दिए टोटल सब कुछ। क्या देखो हाइटेड का बदलाव करें ना, हाइटेड हाइटेड होती है, देखो बाबा वैसे ही दिखा दो। तो दोस्तों हीरा भी आ गया हमारे इसके सामने, तरह बच्चे लग रहे हैं माशाल्लाह से, वो अलग नस्ल है। तो थाई नस्ल दोस्तों ये होती है माशाल्लाह, देख लें जिसके पैर आपको अलग ही वाजे हो जाएंगे। इसके जो पंजे होते हैं ना ये, इनके ऊपर ब्लैक कलर की धारियां आई हुई होती हैं, तो इतना मुझे भी भाई समझ आ गया इन चीज़ों का नस्ल का। तो यार थरवा इसके प्राइस तो बताओ क्या है, क्या कितने का लिया प्राइस कुछ, क्योंकि मेरे तो बड़ा पूछते हैं लोग फिर व्यूअर्स भाई। उसमें करेंगे हम के कम से कम लाइक हमारे 1000 होने चाहिए इस वीडियो पे। तो यार दोस्तों कीज भी बनाना है भी हमने बड़ा, तो भाई यही बोल रहे थे बेटा करेंगे इंशाल्लाह जल्द। बाकी दोस्तों प्राइस का भाई ने बोल दिया, अगर इस वीडियो पे लाइक्स आ गए इतने तो इंशाल्लाह हम प्राइस रिवील कर देंगे अपने थाई मुर्गे के। यार हमजा वाले के पास आ गया हमारा थाई, और हमजा वाला जो है वो भी माशाल्लाह दोस्तों इससे उम्र में बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा है, इससे उम्र में बड़ा होगा मेरे हिसाब से, ये तकरीबन 15 महीने का, ये 1 साल का, तो आप फ़र्क देख सकते हैं माशाल्लाह से। बाकी दोस्तों अब जो है यार हम सेटअप पे अच्छे खासे मुर्गे हो गए हमारे, 1, 2, 3 और 4 और अच्छे खासे माशाल्लाह से, तो काफ़ी तो बेचने के हैं। लेकिन अब ये जो थाई आया ना हमारे पास दोस्तों, ये हम रखेंगे और इसकी नस्ल इंशाल्लाह बढ़ानी है, इसके हिसाब से हमने मुर्गी भी बड़ी चाहिए होगी, छोटी मुर्गी इसके काबू की नहीं है, और इसके हिसाब से आपने लानी है। और ये हम बंद करके चेक भी कर लेते हैं कि इसमें, चलो भाई जाओ इंशाल्लाह आराम से आएगा इसमें तो माशाल्लाह से। तो यार दोस्तों इसमें हाँ माशाल्लाह से बेहतरीन है, आराम से आएगा पेयर, आराम से आएगा, हमारा बड़ा पिंजरा है। तो कैसा लगा दोस्तों, मुझे तो भाई बहुत प्यारा लगा, यकीन जाने भाई बहुत प्यारी चीज है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने रैबिट्स को क्यों नहीं दिखाया, तो भाई रैबिट खोलने का आज हमारे पास टाइम नहीं था, मैंने उनको अंदर ही दाना पानी करा हुआ है, वो देखें ऊपर भी उनके छिलके पड़े हुए हैं, अब वो खोल के खिला दूंगा।